हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या जहाँ पे हमारे अकाउंटिंग के फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है, वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग के लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएँ भी हैं जो हमें कुछ ऐसा करने से रोकती है। फर्स्ट क्या है कि रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। पहला लिमिटेशन क्या है कि हम अकाउंटिंग के वर्क में जो हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेंगे उसमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, उसी ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज बाकी के कोई भी ऐसे नॉन मॉनेटरी वैल्यू का जो ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज नॉट कंसिडर्ड। जो अगर एट प्राइस अगर चेंज होता है, बीच में फ्लक्चुएट होता है, तो उस चीज को प्राइस लेवल के चेंजेस को हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमारा क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर हमारा अकाउंटिंग चलता है, पूरे एक साल का रहता है, बीच में हम प्राइस लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसका इफेक्ट नहीं डालते हैं। हिस्टोरिकल इन नेचर, जो हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है वो हिस्टोरिकल होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर कास्ट होता है। जैसे हमने कोई अगर एसेट खरीदा तो उस एसेट का, जैसे मान लिया आपने कोई बाइक खरीदी, 1 लाख की बाइक खरीदी, तो 1 लाख का एक रिकॉर्ड आपके पास है, यानी कि साल भर बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, कितने परसेंट से डिप्रिसिएट होगा, एक हिस्टोरिकल नेचर होता है, जो कि ईयर बाय ईयर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो एक हिस्टोरिकल नेचर होता है। नेक्स्ट है पर्सनल बियॉस ऑफ अकाउंटेंट अफेक्ट्स द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, यानी कि पर्सनली बेसिस से अकाउंटेंट जो होता है इसको इफेक्ट, इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में मैं शुरू में डिस्कस किया था कि मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग, कैसे आप अकाउंटिंग को कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, तो उससे पहले आपको क्या जरूरी है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज फॉलोइंग इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो क्या है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंट्स कैन बी केप्ट ओनली फॉर एंटिटीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद दीज एंटिटीज। मतलब कि बिजनेस जो होता है वो किसी पर्सन नहीं, वो एंटिटी को अपने पास रखता है, एंटिटी के नाम से कोई भी रिकॉर्डिंग करता है। जैसे आपने कोई अगर बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, कोई आपने ऐसा संस्था खोला है, जैसे सपोज करिए कि बिशप एकेडमी है, तो बिशप एकेडमी को जिसने भी बनाया है वो अब उनका नाम नहीं आता है, किसका नाम आता है, बिशप एकेडमी का, यानी कि बिशप एकेडमी इज ए डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम ऑफ हिम। अब उनसे क्या होगा, ये डिफरेंट एंटिटी हो गया, इसका एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इस पर्टिकुलर नाम से आपको सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं, पर्टिकुलर नाम से आप बिशप एकेडमी को फीस देते हैं, ना कि उनको फीस देते हैं, ना हमें फीस देते हैं, ना प्रिंसिपल को फीस देते हैं, आप किसको देते हैं फीस, बिशप एकेडमी को। पढ़ाता कौन है आपको, बिशप एकेडमी, हम लोग सब क्या है, बिशप एकेडमी के अंदर, ठीक है। तो बिशप एकेडमी जो एक इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, वो एक अलग डिफरेंट एंटिटी हो गया, जो सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स, जो ओनर्स को उससे अलग करता है। यानी कि आप अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से वो बिजनेस अलग हो जाएगा, और उसका एक अलग नाम होगा, उसका एक अलग प्लेस होगा। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, तो फला, किसके लड़के हैं, पला, कहां रहते हैं, कहां घर है, तो वहां, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी संस्था इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं, तो जब नाम रखते हैं तो उसका एक अलग एंटिटी हो गया। अब उसका कहां पे है, तो कहेंगे बैंक रोड पे है, कॉलेज रोड पे है, चिवाहा में है, फरिंदा रोड पे है, तो आप एक उसका पर्टिकुलर, उसका क्या हो गया, एक प्लेस हो गया, है ना।
तो उसका पर्टिकुलर नेम प्लेस, और जब आप बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो कुछ पैसा लगाएंगे तो उसके पास कैपिटल भी हो जाएगा। आप उसके पास कुछ एसेट रखेंगे, चेयर टेबल एंड सम स्टॉक ऑफ गुड्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा जो भी है आप उसमें रखते हैं तो उसका एसेट भी क्रिएट होता है, लेकिन आपका उस पर कोई राइट नहीं रह जाता क्योंकि वो सब किसका है, उस बिजनेस का है। जैसे बिशप अकेडमी लक जितने भी बेंचेस है चेयर्स है वो क्या है, बिशप अकेडमी का है, ना कि इसके ओनर का है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म कंपनी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल विद विच डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हैज इवॉल्व। मतलब आप सोल प्रोप्राइटर हो, मतलब सिंगल अगर आप बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं चलाते हैं तो आप सिंगल ओनर हैं, तो आपका वो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल। लेकिन वहीं पर अगर पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं तो पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। तो ये सब, या कंपनी हो गया, तो कंपनी में भी एक से अधिक शेयर होल्डर्स होते हैं, ढेर सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। अकाउंट्स नीड टू मेंटेन सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, यानी कि जो अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं वो सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, सेपरेट फ्रॉम ओनर से अलग, अब ओनर का नाम उसमें नहीं आएगा। जैसे मान लिया बिशप अकेडमी है तो बिशप अकेडमी को जिसने इस्टेब्लिश किया उसका नाम नहीं आएगा, किसका आएगा, बिशप अकेडमी का नाम आएगा। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बिशप अकेडमी के नाम से किए जाएंगे। ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, टाटा हो, रिलायंस हो, तो भले ही रिलायंस आप जानते हैं कि अनिल अंबानी का है, मुकेश अंबानी का है, लेकिन उनके नाम से पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नहीं होगा, किसके नाम से होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से होगा। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं जियो का, तो क्या मुकेश अंबानी को या अनिल अंबानी को पैसा देते हैं, नहीं, आप किसको देते हैं, रिलायंस को देते हैं पैसा। तो रिलायंस इज द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर्स, ओनर से वो सेपरेट एंटिटी हो गया, हाँ बस उसको एक गवर्न करता है, चलाता है उसका ओनर, लेकिन वो अलग एंटिटी है। तो टाइप्स ऑफ एंटिटी क्या है, जैसे सोल प्रोप्राइटरी हुआ सिवा एंड कंपनी ऑफ महाराज में, ढेरों सारे दुकान से दुकान है उनको आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जैसे गेंसन ब्रदर्स, जैनसन ब्रदर्स, ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप फर्म हुआ। प्राइवेट कंपनी में आपको ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या रिलायंस हो गए, टाटा हो गए। पब्लिक कंपनी में आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये क्या कहते हैं, ONGC हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या कंपनियां हैं, सब पब्लिक कंपनियां, मतलब पब्लिक का मतलब जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में हो। क्लोजली हेल्ड कंपनी कहाँ है, कैडबरी है, कैडबरी इंडिया लिमिटेड है, जो क्लोजली हेल्ड जो हेल्ड है कंपनियां, ये सब क्या है, शेयर के द्वारा है। ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में हचिशन प्राइवेट ट्रस्ट, जो ट्रस्ट मतलब जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते हैं। सोसाइटी है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सम एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कुछ पर्संस किसी इंस्टीट्यूशन को कोई कमेटी बनाते हैं, कोई कम्युनिटी बनाते हैं, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ, वो है ICAI, ICWAI, ICSI, रोटरी क्लब, जो लोग बनाते हैं ना अपने में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं सब लोग मिलके, तो वो हुआ। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वन मैन कॉर्पोरेशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये लोग क्या हुए हैं, वन मैन बॉडी है, वन मैन कॉर्पोरेट। पूरे भारत का कौन ओनर है, तो प्रेसिडेंट है। पूरे स्टेट का कौन ओनर है, गवर्नर है, ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हुआ। एनी अदर लीगल एंटिटीज, जो आपका हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये सब क्या है, आपके अदर लीगल एंटिटीज हैं। तो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कुछ, अब मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जांपल फर्स्ट में ले लिया कि यू आर रनिंग योर ओन टेक्सटाइल शोरूम
एज ए डीलर इन क्लॉथ, एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर आप सपोज करिए कि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, कपड़े का शोरूम चला रहे हैं, टेक्सटाइल शोरूम, तो कपड़े का अगर शोरूम चला रहे हैं और डीलर हैं आप उसके, सोल प्रोप्राइटरशिप में, मतलब सिंगल आप अपने चला रहे हैं बिजनेस को, इंडिविजुअल ओनर हैं आप उसके, मालिक है। द एंटायर कैपिटल अकाउंट फॉर द बिजनेस इज प्रोवाइडेड बाई यू, और पूरा का पूरा आपने पैसा आप ही के द्वारा लगाया गया है, आप ही ने लगाया है सब पैसा। तो इन दिस केस ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग नीड टू मेंटेन टू सेट ऑफ बुक्स, कितने तरह के, दो तरह के बुक लिखे रखे जाएंगे। वन सेट ऑफ बुक्स फॉर द पर्पज ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस इन विच बिजनेस ओव्स यू इक्विवेलेंट टू द कैपिटल प्रोवाइडेड, कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इन योर ओन बुक द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड विल शोन एज ए इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एज एन एसेट, दिस नीड नॉट टू बी मेंटेन नॉर्मल सेट ऑफ बुक्स बट रिक्वायर्ड नो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फ्रॉम इनकम टैक्स प्रॉस्पेक्टिव। और आप दो बुक रखेंगे, एक बुक में बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसमें अकाउंटिंग का वर्क होगा, दूसरा बुक रखेंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना आपने प्रॉफिट कर लिया, कितना टैक्स आपने पे किया। तो ये सारी चीज़ आप अपने नॉलेज के लिए आप रिकॉर्ड करके रखते हैं। दूसरा कि इफ यू आर वर्किंग फॉर ओरेकल कॉर्पोरेशन एंड ओरेकल हैज ए बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ अमेरिका एंड यू हैव बैंक अकाउंट विद द सिटी बैंक एंड सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज ट्रांसफर फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका टू सिटी बैंक, हाउ मेनी अकाउंटिंग एंटिटीज इन्वॉल्व इन दिस केस। तो इफ योर आंसर क्या होगा, इज फोर, देन यू आर राइट, यू ओरेकल, यू पहला है आप हो गए, ओरेकल कॉर्पोरेशन हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया, मतलब इसमें चार एंटिटीज हो गए, एक आप हुए, एक आपका क्या हुआ ओरेकल कॉर्पोरेशन जो एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, दूसरा बैंक ऑफ अमेरिका जो एक बैंक है, और दूसरा सिटी बैंक जो आपका बैंक है, ये सब क्या है, बिजनेस एंटिटी है। दूसरा आपको एक और एग्जांपल लेते हैं कि यू रन योर ओन बिजनेस इन सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग एंड योर फ्रेंड हैज एग्रीड टू प्रोवाइड ए लोन ऑफ 50,000 USD which he goes and deposit directly into your bank account, how many accounting entities involved in this case? The, if you say 3, you are right, it is only 3, you, your friend and bank, यानी कि इस केस में आप तीन एंट्री पास होगी, एक आपकी क्योंकि आपका ओन बिजनेस है, दूसरा आप रिकॉर्ड करेंगे अपने फ्रेंड का क्योंकि आपने अपने फ्रेंड से पैसा लिया है, और तीसरा रिकॉर्ड करेंगे आप बैंक में क्योंकि वो आपने आपके बैंक अकाउंट पे उसने ट्रांसफर किया, उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मनी में मेजरमेंट होगा, जिसका पैसे में कोई वैल्यू होगी, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ए नॉर्मल डाउट कम्स टू योर माइंड इन द फर्स्ट एंड फोर्थ एग्जाम्पल इन प्रीवियस स्लाइड्स, how to get the value, we should not be taking the purchase value but we should take the market value on the date of transferring the assets of business, this is an exception to cost concept only in case of transfer of to another business। तो मैंने अगर एक एग्जांपल लिया कि शिवा स्टार्टेड इज सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग बिजनेस विद हिज ओन प्रॉपर्टी, कॉस्ट प्राइस $1 million एंड मार्केट वैल्यू $1.5 million एंड फर्नीचर cost price 50,000 worth market value $30,000। In this case you can record Shiva capital 1,15,30,000 and building 1,500,000 and furniture 30,000 as assets। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका भी मनी में वैल्यू है, आपने कितने एसेट का वैल्यू, आपका आपका फर्नीचर का क्या कितना वैल्यू है, आपके बिल्डिंग का कितना वैल्यू है, तो उस सबका कुछ न कुछ वैल्यू है, जो वैल्यू है उसी को रिकॉर्ड किया गया है। इतने एसेट आपने दिया है, ये 1,500,000 का बिल्डिंग है, फर्नीचर आपने 30,000 का दिया है, टोटल आपका कितना हुआ 153,000 हुआ, कैपिटल में आपने टोटल कितना आपने इन्वेस्ट किया है 153,000, तो कैपिटल हो गया। देखिए एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए।
तो इस तरह से आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।